हाय एवरीवन, मेरा नाम है साजन मदान। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे शटर के बारे में। तो दोस्तों, काफ़ी तरह के हमारे कैमरा में शटर दिए जाते हैं, जैसे शटर एंगल का ऑप्शन होता है, उसके बाद ग्लोबल शटर होता है, उसके बाद रोलिंग शटर है, उसके बाद मैकेनिकल शटर है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक शटर है। काफ़ी तरह के शटर्स के ऑप्शन हमें मिलते हैं कैमरे के अंदर। अगर सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक शटर एंड मैकेनिकल शटर की, हल्का हल्का एग्जाम्पल दूंगा इन शटर्स के बारे में। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है शटर एंगल पे है। मेरे पास जितने भी मतलब कमेंट आए हैं कि सर हिंदी में किसी ने भी शटर एंगल के बारे में ट्यूटोरियल नहीं बताया, कि सिनेमा लाइन में ये शटर एंगल क्या है, शटर स्पीड का तो वर्क करते नहीं हैं लोग। जितने भी प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर हैं वो हमेशा शटर एंगल के बारे में बात करते हैं, शटर एंगल क्या है, किस तरह से यूज़ होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या था दोस्तों, SLR कैमरा में आपका जो मैकेनिकल शटर रहता था, पहले मान लीजिए लाइट आती थी मिरर पे आई, फिर मिरर के बाद शटर पे गई, शटर ओपन हुआ, उसके बाद सेंसर पे लाइट आती, तो तब हमें वो प्रव्यू दिखता कि फुटेज क्या आ रही है। आजकल क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक शटर है, जो लाइट आ रही है वो सीधा सेंसर के ऊपर आ रही है दोस्तों, और हमें डायरेक्ट व्यू फाइंडर के अंदर दिखता है कि क्या आउटपुट है। तो ये बहुत बड़ी गेम चेंज हो चुकी है। अगर ज़्यादा हम अच्छी बात करें इन दोनों में से कौन सा शटर बेटर है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक शटर बेहतर है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें इसके, चलो ये तो सिंपल सी बात होगी, आगे कैमरे के अंदर है रोलिंग शटर और ग्लोबल शटर। तो दोस्तों ग्लोबल शटर और आपका रोलिंग शटर में क्या फ़र्क है, रोलिंग शटर क्या है कि अपर से डाउन चलता है, ऐसे स्कैन करता है। तो जब अपर से स्कैन करता है डाउन की ओर, तो जितने पिक्सल्स होते हैं, पहले फर्स्ट लाइन के पिक्सल स्कैन करेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब नीचे तक स्कैन करेगा, वो दोस्तों क्या है कि आपकी लाइट भी हंट करेगा, मतलब लाइटिंग को फ्लिकर भी करने में मतलब आपका नुकसान करता है हल्का सा, और वो इतने ज़्यादा फास्ट प्रोसेसर नहीं होते रोलिंग शटर के अंदर कि एकदम से वो फुटेज को कैच कर पाए, वो बड़े आराम से कैच करते हैं। अगर बात करें ग्लोबल शटर की, ग्लोबल शटर में क्या होता है कि पूरी की पूरी, जैसे मैंने 4K पे शूट करना, 4096x2160 पे, तो दोस्तों वो क्या करता है, एक झपके में मतलब शटर ऐसे ओपन हुआ एग्जांपल तो बंद हो गया, मतलब एक फ़ोटो क्लिक की पूरा एकदम से स्कैन कर लिया, तो उसमें आपकी फुटेज बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देगी। अगर बात करें रोलिंग शटर में क्या नुकसान है, जैसे मान लीजिए एक पंखा घूम रहा है, जैसे उसकी फ़ोटो मैं क्लिक करूँगा तो दोस्तों वो उसमें थोड़ी सी टिल्टनेस आ जाती है जिस किसी भी फास्ट मोशन के अंदर, क्योंकि यहाँ से रन हुआ था शटर, जब तक कैच किया यहाँ तक सब्जेक्ट ने मूवमेंट किया, तो वो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है। ऐसा ग्लोबल शटर में नहीं है, ग्लोबल शटर एकदम से कैच करता है चीज़, मतलब पूरे पिक्सल्स को एकदम से कैच कर लेता है। अगर बात करें दोनों में से कौन सा बेटर है फ्लिकर के मामले में, हर एक चीज़ मामले में, तो ग्लोबल शटर। तो रोलिंग शटर में थोड़ा सा साइड इफेक्ट है। अगर बात करें हमारे जितने भी मिररलेस कैमरा है उसमें रोलिंग शटर ही दिया रहता है, अब इनमें ग्लोबल शटर क्यों नहीं दिया जाता है, वो दोस्तों जितने भी बड़े कैमरा हैं, जैसे रेड, एरी, जैसे वेनिस जैसा कैमरा है, उसके अंदर ग्लोबल शटर दिया जाता है, क्योंकि उनके अंदर बड़े प्रोसेसर्स हैं, बड़े हीट सिंक हैं, बड़े कूलिंग फैन लगे हुए हैं। लेकिन हम बात करें अपने छोटे से कैमरे की, उसके अंदर ना ही बहुत बड़ा प्रोसेसर है, ना ही कूलिंग फैन है, तो कैमरा इससे हीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ग्लोबल शटर इनमें नहीं दिया जाता है। जितने भी महंगे कॉस्टली कैमरा है उनके अंदर ही दिया जाता है, क्योंकि ये टॉप का जो शटर है ग्लोबल वो है दोस्तों। अगर बात करें अब शटर एंगल की, शटर एंगल दोस्तों बहुत सदियों से चलता आ रहा है, जितनी भी पुरानी मूवीज़ थी वहाँ से पहले शटर स्पीड उनमें नहीं था, शटर एंगल ही था। तो शटर एंगल होता है 360 का, तो इस तरह से घूमता है। अगर हम बात करें हमारी अगर फुटेज है उसको इस तरह से 180 डिग्री पे काटता जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें कि नेचुरल मोशन ब्लर की, हमें मिलता है 180 डिग्री पे। अगर शटर स्पीड को अगर निकालना है, शटर एंगल कितना रहना चाहिए, आज मैं बोलूं कि जी मैंने फ्रेम रेट रख लिया जी 24 रख लिया जी, क्योंकि फिल्म सारी 24 FPS पे होती है, मैंने 24 FPS का जो मान लीजिए कैमरे पे फ्रेम रख लिया है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि शटर एंगल कितना रखना है। तो उसका जो डिवाइड करने का हिस्सा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने रखा 24 FPS कैमरे के अंदर,
उसको मल्टीप्लाई करेंगे 360, जितना टोटल शटर एंगल है आपका 24 fps मल्टीप्लाई 360, जितना उसका रिजल्ट आएगा आपने डिवाइड करना है 48 से, क्योंकि शटर आपका जो रहेगा 48 रहेगा ना 24 fps का, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपका शटर एंगल 180 डिग्री आ जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल और दे देता हूँ, अगर मैंने अपना जो फ्रेम रेट है 60 रखा है, मल्टीप्लाई 360 करूँगा, जितना उसका रिजल्ट आएगा डिवाइड बाय 125 करूँगा, तो मेरा जो शटर एंगल निकलता है 172.8 डिग्री। दोस्तों अगर बात करें ये बिल्कुल 180 डिग्री के सिमिलर है, तो आपका जो भी आप फ्रेम रेट रखेंगे इसके आसपास ही निकलेगा, क्योंकि जो नेचुरल आइज़ को मोशन ब्लर दिखता है वो 180 डिग्री पे ही आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ ये नेचुरल आपको मोशन ब्लर दिख रहा है तो ये 180 डिग्री का है। दोस्तों अगर बात करें कि अब इसमें 180 डिग्री क्यों नहीं निकला, 172.8 डिग्री क्यों निकला है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो फ्रेम रेट था 60 का था वो NTSC का था। तो इसमें क्या, अगर हमने शटर एंगल 180 डिग्री कर दिया ना, तो आपकी लाइट है जो फ्लिकर करने लग जाएगी, वो फ्लिकर को हटाने के लिए उसने जो रिजल्ट निकाला है 172.8 डिग्री उसने रिजल्ट निकाला है। तो शटर एंगल को इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि आपका पहले फ्रेम रेट रहता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं शटर एंगल से, जितना रिजल्ट आता है उसे डिवाइड करते हैं शटर स्पीड से, दोस्तों वो आपका रिजल्ट निकल के आता है। तो उम्मीद है कि आपको शटर एंगल के बारे में पता चल गया होगा किस तरह से वो घूमता है। अगर एक दो चीज़ें और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर आपका कैमरा हैंड हेल्ड यूज़ कर रहे हैं या आगे कोई एक्शन सीन है, तो आप अपना जो कैमरा है 45 डिग्री एंगल पे यूज़ करेंगे या 90 डिग्री एंगल पे यूज़ करेंगे, क्योंकि वो जो मोशन ब्लर नहीं तो 180 डिग्री पे बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि आप जब उसे देखेंगे तो आपको हल्की सी किसी भी आप फ्रेम पे पोज करेंगे तो आपका जो फ्रेम है बहुत ही ज़्यादा ब्लरी दिखेगा। तो इसलिए जितने भी एक्शन सीन है वो ऑलमोस्ट 45 या 90 डिग्री पे कैच किए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको शटर एंगल के बारे में पता चल गया होगा और किसे किस तरह से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।